बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल आल टू लर्न। इस वीडियो में हम कास्ट अकाउंटिंग जो बीकॉम पार्ट टू का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है प्रोसेस कास्टिंग, वो हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पिछली वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने कास्ट अकाउंटिंग के नोट्स हैं जो मैंने अपने बीकॉम की तैयारी में यूज़ किए थे, आपके भी ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे और ये बहुत हेल्पफुल हैं। इससे आपके लिए कास्ट अकाउंटिंग चुटकियों में समझना आसान हो जाएगा। यानी आप घंटे दो घंटे देंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, आपने अपने सेपरेट रजिस्टर में बनाए होंगे तो पेपर में आप एक दिन से भी कम अर्से में 100% मार्क्स आप ले सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगी और वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन लिखते जाएं अपने रजिस्टर पर। सना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मई, यूनिट प्रोसीडिंग फ्राम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, हमारे पास 60,000 है यूनिट कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, 55,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, 4,000 है यूनिट लास्ट इन प्रोसेस, एब नॉर्मल लास्ट 7,000। तो पिछले वीडियो में आपको अब नॉर्मल लास्ट की ट्रीटमेंट बताई है, लेकिन इसमें भी आपको ये समझ आ जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो। ये हमने इधर ही करना है। 100% मटेरियल था जो लॉस एंड में हुआ था और 50% कन्वर्जन कास्ट था, क्योंकि वो पूरी कास्ट लगाने के बाद लॉस हुई है। कास्ट अकाउंटेड फॉर एज चार्ज टू डिपार्टमेंट में, कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, कास्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, मटेरियल लेबर और कन्वर्जन कास्ट। हमारे पास कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, इन पे जो यूनिट कास्ट हमारे पास 7 जो हम निकालेंगे, आपको समझाती हूँ आगे। नॉर्मल लॉस की हमने इसमें करनी है 1,000 लॉस हुआ है, तो लेबर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्रीज हम इसमें करेंगे। एडिशनल कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देखें डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कैसे निकालना है। 55,000 ट्रांसफ़र आउट है, 1,000 लास्ट है और 4,000 इन प्रोसेस है, तो 100% कंप्लीट है। ये जो वैल्यू हम दो निकालेंगे इससे अंपायर यूनिट कास्ट निकल आएगी हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 721 नोट एब नॉर्मल लास्ट, इसमें क्या होगा, 1,000 मल्टीप्लाई 4.25 प्लस 100 1.60 प्लस 1,051.15, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। 100% नुकसान हुआ है, 100% नुकसान हुआ है इधर भी, तो 50% नुकसान हुआ है इधर, तो क्योंकि ये मटेरियल शुरू में लगाया गया था इसलिए वो यूनिट के लिहाज से 100% मुकम्मल थे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, अगर इस डिपार्टमेंट को यूनिट ज़ाया हो जाए तो उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट थर्ड डिपार्टमेंट में, हम उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। फॉर द मंथ ऑफ मई, कास्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 10,000, यूनिट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट 10,000, 20 हो गए, यूनिट कम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारे पास। वीडियो को रोक के आप ये लिख लें, इसमें जो नए पॉइंट है वो मैं आपको समझाती हूँ आगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 हम करेंगे एडजस्टमेंट इसकी, 0.25 पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट लिख कर उसके नीचे दो लाइनें लगा देनी है, इसलिए कुल कास्ट पर यूनिट कास्ट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पर यूनिट से ज़्यादा है, जबकि इस पर यूनिट कम हो जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, अगर यूनिट ज़ाया हों तो उनको जितने यूनिट डिपार्टमेंट 3 में होंगे से नफ़ी करके बाकी यूनिट को उनकी कुल कास्ट पर तकसीम कर देंगे जो पिछले डिपार्टमेंट से हासिल होती हैं। अब इस सवाल में कोई यूनिट ज़ाया नहीं होया, इसलिए 15,000 बाय 20 करने से 0.5 हासिल होता है जो कास्ट पर यूनिट पर हासिल होगी, मसलन 0.5 पर, जबकि वही इस्तेमाल होगी जो पिछली कास्ट मसलन 1.5 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको वीडियो रोक के 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी समझ आएगी, साथ ही आप क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ट्वेंटी थ्री में एडजस्टमेंट वही मैंने बताया, 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000 करेंगे, 6 पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। अगर आपको लिखने में मुश्किल आ रही है तो वीडियो को पास करें और साथ साथ लिखते जाएं।
24 में भी एडजस्टमेंट ऐसे ही आपने करनी है, 72,360 डिवाइड बाई 18,000 हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का देखें, यूनिट कंप्लीटेड 4,000 है प्लस 1,000 हमने स्टिल इन प्रोसेस है हमारे पास, तो वो कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन वर्क इन एंडिंग इन्वेंट्री 320 और कास्ट यूनिट क्या आएगी हमारे पास, मटेरियल हमने 4,320 पे इनको डिवाइड करना है मटीरियल लेबर का, हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट 4,000, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 1,000, छोटा सा क्वेश्चन है आपने, कास्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे पर यूनिट कास्ट, मैंने आपको तरीका बताया है कैसे निकालनी है, इधर आपको पर यूनिट कास्ट नज़र आ रही होगी और कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, बहुत सिंपल है, जो हमारे पास 1,000 है उसको हम ये जो पर यूनिट कास्ट हमने निकाली होती है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, यानी जो हमने ट्रांसफ़र किया होता है उसकी कास्ट इधर होती है जो क्वेश्चन में दी गई होती है, ठीक है, और जो हमने इसमें करना होता है कास्ट अकाउंट फॉलो में, वो मुझे पर स्टिल इन प्रोसेस होता है उसके साथ करना होता है। इन सवालों में यानी क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 में सबसे पहले जितने यूनिट लिए हैं ट्रांसफ़र कर दिए हैं और जितने अभी बन रहे हैं जितने ज़ाया हो गए हैं वो सब लिखने हैं पहले स्टेप में, सेम है, लेकिन दूसरे स्टेप में सिर्फ जितनी कास्ट हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिली होगी उसकी पर यूनिट कास्ट निकालेंगे, बाकी मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवर की कास्ट छोड़ देंगे। कुल यूनिट हमारे पास 5,000 है मसलन, ठीक है ना, कास्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 20,000 है, पर यूनिट कास्ट 4,000 है, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवर हेड हमने इसकी पर यूनिट कास्ट निकाली है, ठीक है ना, यहाँ यूनिट्स कास्ट बढ़ जाएगी वो लिखेंगे, अगर यूनिट ज़ाया हो तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट पर यूनिट लॉस। तीसरे स्टेप में जितने यूनिट बनाकर भेज दिए हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पर यूनिट कास्ट मालूम नहीं है इसलिए इसकी किसी तरह से ज़रब नहीं देंगे। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट 4,000 है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी में यहाँ हमें मालूम होती है इसलिए लिख देंगे, ठीक है ना, और जो चौथे स्टेप में जितने यूनिट्स इन प्रोसेस वो सब एक जितने मुकम्मल है इसलिए जो यूनिट मुकम्मल हो गए उनको लिखेंगे और पिछले इन प्रोसेस को उनसे निकालेंगे, जितने यूनिट इन प्रोसेस उनकी परसेंटेज निकालेंगे, मसलन मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड 260 है तो ये हम इसको निकालेंगे। अब अगले फिफ्थ स्टेप में पर यूनिट कास्ट निकालेंगे और फिर जो स्टेप पहले किए उनकी जगह पर यूनिट लिखनी थी, यानी थ्री स्टेप तो क्वेश्चन के अंदर होते हैं, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो हम करते हैं और पर यूनिट कास्ट वो थ्री और फोर और फिफ्थ स्टेप है। तो ये था हमारा चैप्टर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये क्वेश्चन नंबर 20 प्रॉब्लम नंबर 26 आप देख लें। ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसकी ज़रा पॉइंट में बहुत ज़्यादा आंसर है तभी क्वेश्चन हमारा ठीक निकलता था। वीडियो को पास कर दें और ये लिख लें आप अपने रजिस्टर पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रॉब्लम नंबर 28 भी है, तो चलिए ये लिख लें। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।